तो ये है स्विमिंग पूल एरिया, कुछ ऐसा है। सो देख सकते हैं, इस होटल की खास बात ये है कि यहाँ पे एक नारियल का पेड़ है जिसकी जड़ें नीचे है यहाँ पे, और ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और देखें इसके लिए मतलब स्पेस बनाया गया है कि इसको डिस्टर्ब ना हो। ये देख सकते हैं आप, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये, और ये फर्स्ट फ्लोर है, और इसको फिर ऊपर की तरफ पेड़ को काटा नहीं गया है, सबसे बड़ी बात इको फ्रेंडली बनाया गया है इसको। और ये देख सकते हैं इसमें नारियल भी लगे हुए हैं, कितना प्यारा मंजर है, हसीन मंजर है, नज़ारे हैं। और ये है पूरे होटल का नज़ारा, व्यू देख सकते हैं आप, वाह ऐसा कुछ है नज़ारा। और ये है सामने का स्विमिंग पूल एरिया, और दोस्त सब नहा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा कुछ देर में यहाँ पे नहाने के लिए, मैं सोचा पहले शूट कर लूँ दिखा दूँ। तो ये है कुछ ऐसा नज़ारा। तो मैं इस होटल के टॉप पे आ गया हूँ, और टॉप पे से नज़ारा आप देख सकते हो, कुछ ऐसा नज़ारा है, वाव। और दूर कहीं आप देख पा रहे हो लेक तंगानिका, अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये लेक तंगानिका दिख रही है, बुजुम्बुरा टाउन भी दिख रहा है आपको। और ये है पूल एरिया, पूल एरिया का नज़ारा, इसमें जावेद भाई और सोहेल भाई स्विमिंग कर रहे हैं। और इधर थोड़ा सा लेके चलता हूँ तो कुछ ही अंदर का नज़ारा ऐसा है, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। और इधर आप देख सकते हैं पहाड़ पीछे की तरफ, और इधर है बुजुम्बुरा टाउन इस तरफ, कुछ ऐसा नज़ारा है। और मैं हूँ इस समय टॉप फ्लोर पे, बिल्कुल नज़ारा इतना खूबसूरत, और वीकेंड में एंजॉय करने का सबसे बेहतरीन। मैं थोड़ा सा चलता हूँ नीचे की तरफ, अगर दिखाता हूँ आपको और कुछ नज़ारे, वाह क्या हसीन नज़ारे हैं।